दोस्तों बता दे मैं तो थक गया एकदम, अभी भी पूरा नहीं हुआ, बहुत बाकी है। वीडियो के आखिर में बता दूं कि टोटल कितने आइटम है। मेरा नाम अयाज बरकाती है और मैं इस वक्त जो हूँ मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस पवई के अंदर हूँ। यहाँ पे आज एक कैटरर्स का काम जो है पर्शियन दरबार इन्होंने लिया, इनका आज कैटरर्स है। क्योंकि मैं इनवाइटेड भी हूँ तो मैंने सोचा कि चलो खाने की जब जायके की बात आती है, जायकों की मंडी में हम घूमते रहते हैं, तो चलो इनकी आज की जो कैटरर्स का जो काम है इनका, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसकी पूरी तफसीलात आपको जो है मुहैया कराते हैं। आइए मेरे साथ अंदर। देखो अभी ये है यहाँ का इनका कॉकटेल, जो मेहमान आए हुए हैं उनको ये सर्व होगा। और भी है, अभी तो शुरुआत ही है। दोस्तों यहाँ पे खाना जो है वो स्टार्ट हो गया है, सब टॉप अप हो गया है। सबसे पहले ये देखते जाइए कि यहाँ पर क्या क्या है। नॉर्मली यहाँ पे देखिए जो सलाद है जो हमेशा हर जगह पे रहता है वो तो है ही है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की रशियन सलाद, पास्ता सलाद ने मुख्तलिफ तरह के बहुत सारे यहाँ पे आइटम है। चार आइटम इधर हो गए और ये तो यही हो गया। अब आइए गिनते जाइए सलाद काउंटर के बाद। चलो शुरुआत करते हैं चाट काउंटर से। और यहाँ पे देखिए ये जो है ये है रगड़ा पेटीज, और ये रगड़ा पेटीज का रगड़ा है। और यहाँ पर जो देखिए ये बटाटा पूरी जो है वो है। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई करो की ऑल टाइम फेवरेट, मुंबई में दो चीज हमेशा बहुत ज्यादा चलती है, एक पानी पूरी और एक वड़ा पाव। तो ये देखिए यहाँ पे ये पानी पूरी है। और अब जो है ये चाट काउंटर के बाद अब हम आते हैं खाने के काउंटर पे, और वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये मटन सीख, और ये देखिए यहाँ पे ये सीख रेडी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, रेशमी टिक्का, ये रहा रेशमी टिक्का, जाफरानी टिक्का, ये रहा जाफरानी टिक्का। देखते जाइए शोले कबाब, ये देखो शोले कबाब कितनी शक्ल ही दिखा रही है कि कितना डिलीशियस ना जायकेदार हो गया। फिश चाव जो है ये देखिए फिश चाव, और ये है फिश ब्लैक बीन सॉस, ये सी फूड आइटम हो गया ठीक है। अब ये है बेदा रोटी, जो हम लोग हमेशा मोहम्मद अली रोड तवे वाला आइटम जो खाते हैं बेदा रोटी वो है। नान सैंडविच, और ये रहे नान, ये आ गया बेदा रोल, ये रहे बेदा रोल। और अगर यहाँ पे देखो तो ये प्राउन सॉल्ट एंड पेपर, और ये देखिए ठीक है। अब आगे आते हैं प्राउन्स डायनामाइट, ये देखो डायनामाइट है, क्या बात है, चिकन लजीज, और चिकन लजीज के अंदर गार्निशिंग देखो किस तरीके से क्रीम के साथ की हुई है। ये है मटन कीमा, और ये देखिए मटन कीमा चारों तरफ कितना जबरदस्त। और ये रही मटन निहारी, ये मटन निहारी का जब मैं देख रहा था ना, जैसे उन्होंने ढक्कन खोले ना, ऐसी खुशबू आई निहारी की कि मैं क्या बोलूं। और ये है मटन डमकोक बिरयानी, ओहो हो क्या बात है क्या बात है। और ये है जीरा राइस, अब ये जीरा राइस देखो यहाँ पे जीरा राइस, जैसे ही ढक्कन खोला मैं एक उसकी खुशबू आई है। और ये है दाल तड़का, जिसको हल्का फुल्का खाना है वो उनके लिए, ये रही तंदूरी रोटी ठीक है। और ये है बेबी नान, ये है छोटा बेबी नान। और यहाँ पर है ये कुलचा, और यहाँ पे देखिए चिकन क्रिस्पी। दोस्तों बता दे मैं तो थक गया एकदम, अभी भी पूरा नहीं हुआ, बहुत बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिकन चिल्ली, ये देखिए चिकन चिल्ली, चिकन सिजवन राइस, ये रही चिकन सिजवन राइस, ये है पनीर क्रिस्पी, देख लो ये है पनीर क्रिस्पी, वेज काउंटर की लग रहा है। ये वेज हक्का नूडल्स, ये रहा वेज हक्का नूडल्स, और ये है वेज चिली, ये रही वेज चिली, ये वेज फ्राई राइस, और ये वेज फ्राई राइस। अब यहाँ से आगे आते हैं, वीडियो के आखिर में बता दूं कि टोटल कितने आइटम है। अब यहाँ पे आ जाओ फ्रूट काउंटर के ऊपर, इतने लजीज लजीज पकवान खाने के बाद जाहिर बात है जो फ्रूट के शौकीन है, जो फ्रूट खाने पसंद करते हैं, उनके लिए भी पूरा एहतमाम किया गया है। ये देखिए ये आ गया अमरूद, जिसको हम कहते हैं पेरू,
और कितने सारे जो है यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के फ्रूट पहले से मुहैया है। ये काउंटर के अंदर कश्मीरी चाय मिलती है यानी कश्मीरी कावा। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए ये रही कश्मीरी कावा और ये जो है कश्मीर के जो मसाले है वो है कावा। जो है बड़ा ही मशहूर और मारूफ मशरूब है कश्मीर के अंदर। लोग जो है क्योंकि इसके अंदर जो मसाले जो पड़ते हैं एक्चुअली केसर की चाय है, ये बहुत ही ज्यादा कश्मीर में इस्तेमाल होती है। तो आप अगर पर्शियन दरबार कैटरर्स से अगर आप कुछ अपने इवेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये भी लोग प्रोवाइड करते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या तैयार हो रहा है भाई, जिलेबी मालपुआ विद रबड़ी। ये देखिए यहाँ पे जिलेबी बन रही है, ये मालपुआ बन रहा है, बना हुआ है और ये है रबड़ी। अरे दोस्त ये क्या है, तवा बाहर, तवे में बाहर, और सही में उसकी शक्ल बता रही है कि यहाँ पे सिर्फ बाहर ही बाहर है, जबरदस्त। और ये यहाँ पे क्या है, आइसक्रीम काउंटर। कौन कौन से आइसक्रीम है आपके पास, तीन तरीके की आइसक्रीम है। ओके चलिए आगे आइए, यहाँ पे है पानी और अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये है पान। कौन कौन से पान है आपके, अच्छा यहाँ पे सब दिया हुआ है, चोको है, वेनिला है, कीवी है, स्पेशल पावन है, सादा है, चोको क्रंच है, पाइनएप्पल है, मगाई है, ये है और ब्लू बेरी है, ये सब है। और यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर है फायर पान, ये रहे फायर पान, फायर पान और आइस पान, ये दोनों भी यहाँ पर है। अब चलिए आइए, यहाँ का कॉकटेल काउंटर है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के मशरूबात जो है वो यहाँ पे बने हुए हैं, बस यहाँ से सर्व किया जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि आज जो है पर्शियन दरबार कैटरर्स भाईकला का यहाँ पे काम था और आज मैंने वो एक्सप्लोर किया है। और आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे जो है एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, दस नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, यहाँ पे जो है 64 के आसपास जो है यहाँ पे डिश थी आज के मेनू के अंदर। और कितने अच्छे तरीके और सलीके से इन्होंने मैनेज किया है। अगर आपके घर के अंदर भी कोई इस तरह की तकरीबात रहे और आपको भी अगर कुछ इंक्वायरी हो इस तरह की कैटरिंग की आपको ज़रूरत हो तो आप स्क्रीन पे आए हुए नंबर के ऊपर भी आप जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है और कमेंट बॉक्स के अंदर भी जो है कमेंट जो है वो मैंने पिन कर दिया है। चलिए दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, नई जगह पर दोबारा फिर आपसे रूबरू होंगे। खुश रहिए, इंजॉय कीजिए।